भोपाल में कांग्रेस ने काफी दिनों पहले ही महापौर प्रत्याशी के तौर पर अपना उम्मीदवार उतार दिया था। कांग्रेस ने पूर्व महापौर और पार्टी के प्रवक्ता विभा पटेल को महापौर का टिकट दिया, जिसको लेकर भाजपा की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी था। वही अब भाजपा ने भी भोपाल से मालती राय को मौका दिया है, जो कि पार्टी की काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, साथ ही उन्हें स्थानीय भाजपा नेताओं का भी समर्थन हासिल है। भोपाल नगर निगम के चुनाव में भाजपा के महापौर प्रत्याशी को लेकर काफी दिनों से कसरत जारी थी। कई नाम उभर कर सामने आए थे, जिनमें विधायक कृष्णा गौर, जागृति किरार, भारती कुंभारे का नाम चल रहा था। इनमें से ही एक नाम आया था मालती राय का, जिस पर भाजपा ने अपनी मुहर लगा दी। तो आखिर क्यों लगाई भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी में मालती राय के नाम पर मुहर, इस पर एक नजर डालते हैं। काफी लंबे समय से भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता है मालती राय। अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति कलार कलचुरी समाज से आती है राय। 1985 से भाजपा की सक्रिय सदस्य हैं प्रत्याशी मालती राय। भाजपा महिला मोर्चा समेत पार्टी के अन्य पदों पर रही हैं राय। भाजपा के टिकट पर पार्षद बनकर रह चुकी हैं जोन अध्यक्ष। 2013 से नरेला विधानसभा की लगातार प्रभारी भी रही हैं। साफ सुथरी छवि को लेकर देखते हुए पार्टी ने मालती राय को एक मौका दिया है। मालती राय ने भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद कहा कि वो कांग्रेस की विभा पटेल को वैसे ही मात देंगी जैसे उनके आका दिग्विजय सिंह को सांसद के चुनाव में हराया गया था। मैं मध्य प्रदेश के संगठन के रचयिता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य बीडी भाई साहब का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का, प्रदेश का, जिले का, मंडल का और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास किया है, मेरे हाथ में जो कमान संभाल दी है, मैं उस पर खरी उतरूं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ रहा है, इसलिए मैं सभी का सहयोग करूं। कांग्रेस के प्रत्याशी वहीं भोपाल में माना जा रहा है कि महापौर का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। जहां एक तरफ विभा पटेल मंझी हुई राजनीतिज्ञ है, तो उनके सामने भी सालों से भाजपा का झंडा उठाने वाली नेत्री आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।